हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कूलम्स लॉ हम लोग पढ़े थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक। तो चलिए आज हम फिर उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और उसकी शुरुआत एक क्वेश्चन से ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखा गया है, क्या कहता है क्वेश्चन। टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, दो पार्टिकल हमने कार्बन के लिए हुए हैं, ईच वेइंग दोनों का मास जो है 1 मिलीग्राम दिया हुआ है और उनके ऊपर सेम चार्ज 10^-6 कूलम का चार्ज उनके ऊपर रखा हुआ है, उन पे चार्ज इतना है और वे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हैं। तो कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, आपको उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उसी को कैलकुलेट करना है हमको। तो देखो, जैसे मान लिया कि ये हमारा एक चार्ज हमने यहाँ रखा हुआ है, ये Q1 हो गया और दूसरा चार्ज हमने यहाँ रखा हुआ है Q2 हो गया, ठीक। दोनों चार्ज हमने रख दिए हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये आपको 1 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस आर 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 0.01 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। अब देखिए इस चार्ज का मास दिया हुआ है m1, ये कितना दिया गया है 1 मिलीग्राम, मतलब 1 मिलीग्राम मीन्स इसको अगर आप kg में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन हमें मास की जरूरत तो है नहीं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जब पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ, k Q1 Q2 / r², इसका मतलब मास से हमें कोई मतलब नहीं है। Q1 जो चार्ज दिया हुआ है 10^-6 कूलम का, इस पर भी चार्ज है और 10^-6 कूलम का चार्ज यहाँ भी है, ठीक। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है F, ये क्या होता है k Q1 Q2 / r², यही होता है ना। इस k की वैल्यू क्या होती थी 1/4πε₀, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². यूनिट बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये हमारा k की वैल्यू होती है। अब हम सारी वैल्यूज के यहाँ पुट करते हैं, F = k की वैल्यू हो गई 9×10⁻⁹, Q1 की वैल्यू हो गई 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू हो गई 10⁻⁶ / r की वैल्यू हो गई 10⁻²। यही होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये -4 हो गया, ऊपर जाएगा 4, इसको देखो ऐसे सॉल्व कर लो, 9×, ये हो गया 9 में से 12 गया -3, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई ये गया 10⁴ हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया 90 न्यूटन। मतलब उन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 90 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, इरेज कर दें। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है आप अच्छी तरह समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ये कैलकुलेट करना है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, किसके बीच में, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच हायर, सो दैट
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच हायर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको यह भी बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच उनके ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम होता है वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ये भी हमको शो करना है। आपको यहां पे क्या क्या गिवन है, चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, ये होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, 9.1 × 10⁻³¹ kg ये क्या होता है, उसका मास होता है। और आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया गया है जी, ये क्या होता है, तो याद होगा आपको 6.67 × 10⁻¹⁹ कितना होता है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कहता है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों निकालिए, और आप ये भी बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, हमने मान लिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस तो यहाँ दिया नहीं है, आप इनके बीच की डिस्टेंस r मान लो, हमने इनके बीच की डिस्टेंस r मान ली, चार्जेस हमें पता है, मास पता है। देखो तो ग्रेविटेशनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये आप पढ़े होगे, ये क्या पढ़े थे, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता था वो क्या पढ़ते थे, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग Fe by Fg निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन Gm1m2, ठीक, ये आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब देखो K Q1 Q2 अब वैल्यूज रखते हैं हम लोग, 9 × 10⁻¹⁹ ये क्या हो गई, K की वैल्यू हो गई, Q1 चार्ज जो दिया है ये आपको 1.6 × 10⁻¹⁹ और Q2 की वैल्यू भी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये तो हो गई ऊपर का। अब आ जाओ नीचे, G की वैल्यू आपको दिया गया है 6.67 × 10⁻¹⁹ इंटू मास जो दिया गया है, पहले ऑब्जेक्ट मास दोनों का सेम ही रहेगा, तो ये 9.1 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाइड बाई 9.1 × 10⁻¹⁹, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करना तो मैं पूरा एग्जैक्टली सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कितना आ रहा है, आप इसको सॉल्व करके चेक कीजिएगा, ठीक है। ये आएगा 4.17 × 10⁻¹⁴2, ये आएगा 4.17 × 10⁻¹⁴2, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, Fe by Fg की वैल्यू आई। अगर आप यहाँ से देखो तो Fe जो है 4.17 × 10⁻¹⁴2 Fg के बराबर आ रहा है। सोचो ये आप समझो कि Fe 10⁻¹⁴2 टाइम्स है, आप समझ पा रहे हो 10⁻¹⁴2 कितना बड़ा अमाउंट हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके आगे कितना छोटा हो गया। तो यहां से आपको मिल गया कि Fe इज ग्रेटर देन Fg, Fe जो होता है Fg से
बहुत 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 बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो ये कंपैरिजन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम्ब फोर्स, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का। मतलब यहाँ से एक चीज़ आपको मिल गई कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा फोर्स है। बहुत छोटे पार्टिकल्स के बीच लगता है लेकिन बहुत बड़ा फोर्स होता है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत बड़े बॉडीज के बीच में लगता है लेकिन फोर्स बहुत छोटा है। आप सोचो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपके प्लैनेट्स, बड़े बड़े प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज जो यूनिवर्स में है उनके बीच में लगता है। आप सन का फोर्स अर्थ पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी बड़ी है सोचो, और उसके बीच में फोर्स लग रहा है। तो ये बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप सोचो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है भाई, आपको दिखाई भी नहीं देता, एटम के अंदर होता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना बड़ा फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है चीज? इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत 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 बड़ा फोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग आगे चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं, जैसे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ये उसी तरीके से फ्लो करती है जैसे आपका पाइप में वाटर फ्लो करता है। जैसे एक पाइप में पानी फ्लो करता है वैसे ही आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। डिफरेंस ये है, वहाँ पे पानी पाइप में फ्लो करता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स में फ्लो करती है। पाइप का काम यहाँ कौन करता है, कंडक्टर करते हैं। ठीक है, अब जैसे पानी को फ्लो होने के लिए, अगर पानी को फ्लो करना है तो वहाँ पे हमें क्या क्या करना पड़ता है, हाइट का डिफरेंस रखना पड़ता है। जैसे पानी अगर कब फ्लो करेगा भाई, जब दो हाइट के डिफरेंस होगा। जैसे आपने एक टेबल पर पानी गिराया और प्लेट टेबल एकदम प्लेन है तो पानी गिरेगा नहीं, पानी उस पर बस बिखर जाएगा, लेकिन पानी फ्लो नहीं होगा। फ्लो होने के लिए आपने ऐसे टिल्ट किया हुआ है, अब यहाँ पानी गिराएंगे तो पानी फ्लो करके चला जाएगा नीचे। मतलब अब एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया कि पानी को फ्लो करने के लिए हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को अगर फ्लो करना है तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे वो काम पोटेंशियल, जो काम वहाँ हाइट करता था वो काम यहाँ पोटेंशियल करेगा। ठीक, हाँ, तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब जैसे क्या होता है कि जैसे आपने पानी फ्लो कराना है, टंकी भी है और दूर ले जाना है हमको, तो वहाँ पे हमको पानी ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पंप लगाना पड़ता है। पंप लगाना पड़ता है और पानी की टंकी में पानी होता होता है, वहाँ से पंप करके ले जाना पड़ता है कहाँ, कि पाइप के थ्रू बाहर कहीं ले जाना है। तो वहाँ पर जो काम पंप करता है वो काम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, अब पानी फ्लो कराता कौन है, पंप कराता है। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, वो आती है बैटरी या सेल। जो काम वहाँ पंप करता है वो काम यहाँ सेल या बैटरी करती है। समझ गए? तो यहाँ से एक चीज़ हमने सीखी कि पानी का फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रिलेटिव टर्म्स हैं। जैसे पानी को फ्लो करने के लिए भाई हाइट का डिफरेंस होना चाहिए, इस तरह यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे वहाँ पाइप चाहिए पानी को फ्लो करने के लिए, यहाँ पे कंडक्टर्स चाहिए। जैसे वहाँ पानी को फ्लो कराने के लिए हमें पंप लगाना पड़ता है, यहाँ पे हमें सेल लगाना पड़ेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि सेल में ही पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग अब प्रॉपर डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और फिर उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होर्डिंग हो गई।
अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है भाई, हमने समझ गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, गिवन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डिफिनीशन में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज डिफाइंड एज द स्पेस, इज डिफाइंड एज द स्पेस, एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच, अराउंड द चार्ज इन विच, अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड can be experienced by another charge। मतलब देखो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये कोई भी चार्ज आपने लिया, कोई भी आपने चार्ज ले लिया तो उस चार्ज के आसपास क्या होता है, अराउंड चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे एक चार्ज आपने रख लिया, अब इस चार्ज के आसपास कोई भी एक टेस्ट चार्ज ले आते हो, कोई भी चार्ज ले आते हो तो अब जिस स्पेस में वो चार्ज लाने पे अब इस चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स वर्क करने लगे तो वो जो स्पेस होता है वही स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखिए इफ अ टेस्ट चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज जो है एक्सपीरियंस नो फोर्सेस एट अ पॉइंट then electric field at that point must be zero, then electric field at that point must be zero। देखो इसको ऐसे समझो जैसे आप चुंबक ले लो, एक आपने चुंबक ले लिया, अब ये चुंबक ले लिया, अब इधर कोई दूसरा चुंबक ले आ रहे हो, आप ले आ रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं एक चुंबक हम लिए एक चुंबक आप लियो अब इसमें दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा हो, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक हमारे घर पे एक आपके घर पे दोनों में अट्रैक्शन हो रहा होगा, नहीं। अब एक चुंबक आपने लिया, अब एक दूसरा छोटा सा चुंबक लिया आपने, अब यहां रखा आपने कोई फोर्स नहीं महसूस हो रहा, यहां लाए कोई फोर्स नहीं महसूस हो रहा, यहां लाए अब इस पे फोर्स लगना शुरू हो गया, इसका मतलब है इधर लाने पे नहीं हो रहा, इधर लाने यहां लाने पे हो रहा है, इसका मतलब अब ये सर्किल बना लो एक इस चुंबक के चारों ओर, तो ये जो सर्किल आपने बनाया इस चुंबक के चारों का जो ये एरिया मिला ये इसका मैग्नेटिक फील्ड था, क्योंकि ये मैग्नेट था इसलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हो गया कि अगर आपने एक चार्ज लिया, एक दूसरा चार्ज इसके पास ला रहे हो,
तो अगर किसी पॉइंट पे इसके और इसके बीच में कोई फोर्स महसूस होने लगा, तो जिस पॉइंट में महसूस होगा वो जो स्पेस होगा दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी पॉइंट पे कोई फोर्स महसूस नहीं होता है तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। समझ में आ गई बात? ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब देखो अगला हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अब हम बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे एक मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जैसे आप चुंबक यहां रखो तो बहुत थोड़ा फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे चुंबक के पास लोगे फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि वहां पे यहां पे चुंबक के आसपास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ड्यू टू दिस पॉइंट। तो यही चीज यहां भी होती है। तो इसको आप डिफाइन करो, करते हैं, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करोगे, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो डिफिनेशन इसकी, इट इज डिफाइंड एज इसको आप डिफाइन कर रहे हो, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये वो फोर्स होती है जो एक्सपीरियंस की जाती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है किसी पॉइंट पे, वो हमारी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा भाई, अगर एफ आपका फोर्स है, इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, इफ एफ इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। हम लोग जो टेस्ट चार्ज लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ये फिक्स है कि हम लोग पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, अगर यह फोर्स है एट एनी पॉइंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ये क्या हो जाएगा भाई, E इज इक्वल टू
ई इज इक्वल टू क्या बताया, एफ बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से एक चीज और जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये नोट कर लिया। और क्या होता है, इसका जो यूनिट होगा, यूनिट वो क्या होगा भाई, एफ का यूनिट न्यूटन और क्यू नॉट का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई, न्यूटन पर कूलाम। तो इसको याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये हमने लिख लिया और इसको याद कर लेंगे आप। ओके, चलो, तो ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके फॉर्मूले हमने देख लिए, और उसके क्या देख लिया, और हमने उसका कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है कि वेक्टर होती है, ये भी हमने चीज देख ली। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिएगा कि चार्ज ऑफ 9 मिली कूलम, अ चार्ज ऑफ 9 मिली कूलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ 10 न्यूटन पर कूलाम, ऑफ 10 न्यूटन पर कूलाम, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। कहता है कि फोर्स की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, आपसे फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कहता है कि एक आपने चार्ज लिया हुआ 9 मिली कूलाम का, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू दी गई है 9 मिली कूलाम, इसको आप कूलाम में चेंज कर लो, 10^-3 कूलाम ये दिया गया है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू दी गई है 10 न्यूटन पर कूलाम। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, F बाई क्यू नॉट या Q नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आप F देखो, हमें फोर्स पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई, यही होगा ना। अब F जो होगा वो आप कैलकुलेट कर लो, Q की वैल्यू है 9 × 10^-3, 9 × 10^-3 इंटू E की वैल्यू है 10, तो ये F कितना मिल गया भाई, 9 × 10^-2, दैट मीन्स 0.09 न्यूटन। ये इतना फोर्स एग्जिस्ट करेगा उस चार्ज पे, जो चार्ज आपने लिया हुआ है 9 मिली कूलाम का, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलाम का है, तो वहाँ पे उस पे ऊपर फोर्स कितना लगेगा, 0.09 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए बच्चों। चलो बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो इसके आगे का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आज की क्लास बेटा बहुत मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ और चीज़ों को एक बार जरूर रिवाइज करो, एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा, आपको वीक में
जैसे 3 दिन फिजिक्स क्लास होती है तो आपको 2 DPPs मिलेंगी, ठीक है। उस DPPs को आपको उसी जो टॉपिक पढ़ाया था उसी से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस में होंगे, उसको आपको लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग फिर अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करो, ओके, थैंक यू।